तो दोस्तों आपको पता है कि जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया का जो यहाँ पे प्लान है वो प्लान 3 जुलाई से इम्प्रूवमेंट होने वाला है और इसका टैरिफ 20 से 27% आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपको 200 रुपया का प्लान रिचार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 270 से लेकर 300 रुपया देना होगा, तो 70 से 80 रुपया तो दोस्तों आपको मिनिमम प्लान में देखने मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे 1 साल का अगर कोई प्लान लेते हैं तो उसमें आपको 350 से लेकर 400 रुपया का आपको वहां पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि जो भी आप यहां पे सिम यूज कर रहे हैं और उस सिम को अगर BSNL पोर्ट करवाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे पास BSNL का 4G सिम है और आपके मन में पोर्ट करवाने से पहले जो भी यहां पे डॉट चल रहा है तो वो डॉट का दोस्तों मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं। आपके मन में चल रहा होगा कि यहां पे वोल्टी का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है कि नहीं है, नेटवर्क कैसा आता है, इंटरनेट की स्पीड कैसे देखने मिलती है, तो दोस्तों ये टोटल चीज आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो एक एक पॉइंट में आपको यहां पर बताने वाला हूं और क्या यहां पर आपको BSNL का सिम पोर्ट करवाना है और पोर्ट करवाना है तो इसके लिए क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है, टोटल आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। चलिए यहां पे बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में और वो पॉइंट है वोल्टी के बारे में। बहुत के मन में यहां पे एक सवाल चल रहा होगा कि आप जो अगर BSNL का सिम लेते हैं तो उसमें 5G सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, वोल्टी सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर आप BSNL का सिम अगर यूज कर रहे हैं और अपने मोबाइल में जैसे उसको लगाते हैं और लगाने के बाद दोस्तों वहां पे आपको वोल्टी का ऑप्शन मिलेगा, अगर उस वोल्टी वाले ऑप्शन को अगर आप वहां पे ऑन कीजिएगा तो BSNL के सिम में दोस्तों आपको वोल्टी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। वोल्टी का सपोर्ट सिर्फ दोस्तों आपको यहां पे जियो सिम में देखने मिलता है, एयरटेल में भी ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि जियो का जो सिम है वो डायरेक्ट 4G से मिलता है और 4G के बाद ही दोस्तों वहां पे 5G मिलता है, उसमें ना 3G चलता है ना 2G चलता है। पर दोस्तों BSNL का अगर आप यहां पे 5G सिम लीजिएगा तो उसमें आपको 2G का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, 3G का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, 4G का भी ऑप्शन देखने मिलेगा और आपको प्रीपेड 5G का भी ऑप्शन देखने मिलेगा। किसी पे भी दोस्तों अगर आप वहां पे सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑप्शन आपको वहां पे सिलेक्ट होगा। अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है तो उसमें भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। यहां पे बात करते हैं दोस्तों स्पीड के बारे में और नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहले यहां पे बात आती है नेटवर्क यहां पे कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी जो BSNL सिम का जो नेटवर्क है वो आपको काफी अच्छा देखने मिलेगा और कॉलिंग अगर किसी को करते हैं 4G अगर इनेबल करके करते हैं तो आपको कोई भी इशू वहां पे नहीं आएगा। अगर वहां पे आप 2G सिलेक्ट करते हैं या 3G अगर सिलेक्ट करते हैं तो कॉलिंग करने के दौरान आपको थोड़ा टाइम लगेगा और कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आप वहां पे 4G को सिलेक्ट करते हैं तो तुरंत दोस्तों यहां पे कॉल कनेक्ट हो जाता है, ये मैंने दोस्तों यहां पे पूरा चेक किया है। उसके अलावा यहां पे दोस्तों बात करते हैं कैरियर एग्रीगेशन के बारे में कि यहां पे 4G के बाद प्लस का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अगर प्लस का ऑप्शन आएगा तो आपको हाई स्पीड का इंटरनेट आपको 4G में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पे प्रीफेड 5G अगर इनेबल करते हैं या 4G भी दोस्तों अगर आप वहां पे इनेबल कीजिएगा, इंटरनेट को वहां पे ऑन कीजिएगा तो आपको 4G प्लस का ऑप्शन वहां पे देखने मिलेगा, कैरियर एग्रीगेशन का वहां पे दोस्तों सपोर्ट देखने मिल जाता है। और यहां पे बात करते हैं इंटरनेट स्पीड के बारे में तो दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हैं इंटरनेट की स्पीड में आपको यहां पे डाउनलोड और आपको अपलोड का पूरा दिखा देता हूं। तो अभी दोस्तों जो मैं यहां पे वीडियो बना रहा हूं वेदर काफी खराब है तो स्पीड अभी आप यहां पे देख सकते हैं डाउनलोड का स्पीड आपको लगभग 4 Mbps के आसपास देखने मिलेगा और अपलोड का स्पीड भी दोस्तों आपको 3 Mbps के आसपास देखने मिलेगा। अगर मौसम यहां पे क्लियर रहेगा तो आपको अच्छा यहां पे स्पीड देखने मिलेगा। साथ में दोस्तों अगर आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई कंटेंट देख रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी बफरिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, वीडियो काफी अच्छा चलता है। जैसा आपको यहां पे अपना मोबाइल चाहिए, जैसा आपको मोबाइल नेटवर्क चाहिए, जैसा स्पीड आपको चाहिए उतना स्पीड दोस्तों आपको BSNL के सिम में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आता है नेटवर्क से रिलेटेड इशू के बारे में कि अगर आप कहीं पे जाते हैं या कहीं आउटर एरिया में जाते हैं क्या आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने जो BSNL सिम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, 1 साल से BSNL का सिम यूज कर रहा हूँ और इस BSNL के सिम को काफी जगह लेके गया हूँ तो अभी तक दोस्तों मुझे कोई भी नेटवर्क का यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिला है। नेटवर्क दोस्तों यहाँ पे फुल आता है, नेटवर्क में कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आ रहा है और कनेक्टिविटी भी दोस्तों आपको वहां पे सही देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं पोर्ट के बारे में कि कैसे आप यहां पे पोर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप जियो एयरटेल या जो भी यहां पे सिम यूज कर रहे हैं वो सिम को आपको मैसेज वाले सेक्शन में जाना है और मैसेज वाले सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको वहां पे कैपिटल में मैसेज में लिखना है पोर्ट,
PORT पोर्ट यहां पे लिखना है, देन उसके बाद आपको स्पेस देना है और उसके बाद जो भी आपका नंबर है वो मोबाइल नंबर दोस्तों आपको वहां पे लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको सेंड करना है 1900 पे सेंड कर लेना है और 1900 पे सेंड कीजिएगा। तो सेंड करने बाद दोस्तों आपको वहां पे एक रेफरेंस नंबर देखने मिलेगा और इस रेफरेंस नंबर को दोस्तों आपको यहां पे क्या करना है, अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है BSNL का या कोई भी रिटेलर शॉप है वहां पे जाना है और उस रेफरेंस नंबर को देना है और इसका जो वैलिडिटी होती है 4 डेट तक दोस्तों आपको यहां पे देखने मिलती है। 4 दिन के बाद अगर आप जाइएगा तो दोस्तों ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस सिम को दोस्तों आप यहां पे पोर्ट करवा रहे हैं उसमें कम से कम 1 सप्ताह का वहां पे दोस्तों प्लान होना चाहिए। अगर वो सिम बंद हो गया तो होगा क्या कि उसमें कोई भी OTP नहीं आएगा, तो कम से कम 1 सप्ताह का आप वहां पे रिचार्ज करने की या 1 सप्ताह से पहले आपको क्या करना है, पोर्ट करवा लेना है, जिससे अगर किसी दूसरे सिम में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिले।